हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक मेंटेन करना बताऊंगा कि टैली एयरपेन में हम किस तरीके से स्टॉक मेंटेन करते हैं, कैसे हम परचेज सेल्स के इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहेगा लास्ट तक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रजनीश मिश्रा और चलिए शुरू करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले टैली सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है और स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको तीन चीज़ें नहीं बनाना है। क्या क्या चीज़ें नहीं बनाना है? पहली चीज़, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, दूसरा स्टॉक आइटम तैयार करना है और तीसरा आपको यूनिट तैयार करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्रम से देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टॉक मेंटेन करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, ये आपका गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन है, यहाँ से आपको इन्वेंटरी इन्फो पर जाना है। इन्वेंटरी इन्फो पर जैसे आप जाते हैं, यहाँ पर इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन आपको स्टॉक ग्रुप मिल रहा है, सेकेंड आपको स्टॉक आइटम्स मिल रहा है और थर्ड आपको यूनिट ऑफ मेजर्स मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि स्टॉक ग्रुप होता क्या है और इसको कैसे हम बनाएंगे। दोस्तों स्टॉक ग्रुप से मतलब होता है हमारे पास, सपोज कीजिए कि एक जैसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं हमारी कंपनी में। जब भी हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्ट की कई वेराइटीज़ होती हैं। तो हम स्टॉक ग्रुप जब क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पर अपने जो मेन हमारा प्रोडक्ट होता है हम उसके नाम से हम ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, या एक जैसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट नाम का ग्रुप क्रिएट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर के आपके पास दुकान है और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे आप जो है तो डिवाइसेस रखे हुए हैं, आपने हार्डवेयर डिवाइस आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उनको परचेज सेल्स करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टॉक ग्रुप पे जाना है और सपोज कीजिए आपके पास जैसे हम देखते हैं कि सीपीयू, ठीक, अब हमारे पास सीपीयू की 20 वैरायटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ ग्रुप पे जाएंगे और नेम में यहाँ पर हम एक सीपीयू का ग्रुप क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने ये टाइप किया और ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो हम जब हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो ग्रुप किसी पर्टिकुलर किसी भी अंडर में नहीं आता है, यहाँ पर आपको प्राइमरी ही रखना है और इसको सेव कर देना है। तो इस तरीके से हम अब दूसरी चीज़ हमारे पास सपोज कीजिए देखते हैं, जैसे हमारे पास एलईडी है तो हमने यहाँ पर टाइप किया एलईडी और इसको भी हम इस तरीके से सेव कर देते हैं। तीसरा हमारे पास प्रोडक्ट है कीबोर्ड, तो इस तरीके से हमने ये टाइप किया कीबोर्ड और इसको भी हमने सेव कर दिया। इस तरीके से हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे हम यहाँ पर उनके मेन प्रोडक्ट के नाम से ग्रुप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट बाहर आएंगे हम और इसके बाद हम देखते हैं क्या स्टॉक आइटम। दोस्तों स्टॉक आइटम से पहले हम यूनिट समझते हैं। यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब होता है माप की इकाई। आप जो भी प्रोडक्ट परचेज या सेल्स कर रहे हैं वो आप किस यूनिट में परचेज सेल्स कर रहे हैं, किस इकाई में आप परचेज सेल्स कर रहे हैं, वो आपको यूनिट में जाकर तैयार करना होता है। तो यूनिट तैयार करने के लिए सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर्स पे जाना है और यहाँ से क्रिएट करना है। दोस्तों यहाँ पर आपको सिंबल में, बहुत सिंपल है, आपको सिंबल में जाना है और यहाँ पर आपको जिस यूनिट में आप माल परचेज सेल्स कर रहे हैं, गुड्स जो भी आप परचेज सेल्स कर रहे हैं, जैसे केजी, क्विंटल, लीटर, मिलीग्राम, बंडल, पीसेस, जो भी है, जैसे सपोज किया कि हमने इसको नग में लिया है या पीसेस में लिया है, एनओएस में लिया है, जिस यूनिट में हम कंप्यूटर परचेज सेल्स कर रहे हैं वो हम यहाँ पर यूनिट का नाम टाइप करेंगे और इस तरीके से सेव करेंगे। अगर हमारे पास केजी हो तो हम इस तरीके से केजी तैयार कर सकते हैं, अगर क्विंटल है तो हम इस तरीके से क्विंटल तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको जो भी यूनिट्स आप यूज़ कर रहे हैं परचेज सेल्स करते समय, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज सेल्स कर रहे हैं उनको जिस यूनिट में आप परचेज सेल्स करें वो यूनिट आपको यहाँ से तैयार करना है। इसके बाद आपको बिल्कुल बाहर आना है और इसके बाद आपको लास्ट में जाना है स्टॉक आइटम्स पे। तो दोस्तों आप जब स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे तो स्टॉक आइटम में आप पहुँचेंगे, इंटर के प्रेस करेंगे और क्रिएट पर जाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपके पास ये कंपलसरी फील्ड तीन है, पहला नेम, दूसरा अंडर, तीसरा यूनिट, ठीक। तो नेम में आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट आपने तैयार किया है, सबसे पहले जो ग्रुप क्रिएट किया है उनकी जो भी वैरायटी है उन वैरायटीज़ को आपको यहाँ पर तैयार करना है। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास सीपीयू की मान लीजिए 4 वैरायटी है, 4 वैरायटी है, 5 वैरायटी है, 10 वैरायटी है, बहुत सारी हो सकती है हमारे पास। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पूरा नाम प्रोडक्ट का देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया सीपीयू सैमसंग, इस तरीके से मैंने यहाँ पर टाइप किया और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया मिनिमम i5 है, ओके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तैयार किया सीपीयू सैमसंग i5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रोडक्ट का पूरा नाम टाइप करना है, इंटर के प्रेस करना है और यहाँ पहुँचना है ग्रुप पे। जब आप दोस्तों यहाँ पर अंडर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी लिस्ट आ रही है यहाँ पर ग्रुप की, और यहाँ से आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसके अंतर्गत आपको इसको सीपीयू को रखना है। तो ये सीपीयू सैमसंग i5 सपोज कीजिए कि किस में है, सीपीयू की कैटेगरी में जाएगा, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ यूनिट्स आता है और आपको यूनिट में यहाँ पर ये बताना है कि आप ये जो सीपीयू सैमसंग का परचेज या सेल्स करेंगे वो किस यूनिट में यहाँ से करेंगे। सपोज कि हमने इसको नोज में किया है तो हम यहाँ से
नो जिस तरीके से सेलेक्ट नहीं, अगर केजी क्विंटल लीटर है, अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है आपके पास तो आप यहाँ से यूनिट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, हमारा एक प्रोडक्ट बन चुका है। ठीक, दूसरा देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने कीबोर्ड लिया, कीबोर्ड आपने परचेज किया। अब कीबोर्ड हमने किसका परचेज किया, सपोज कीजिए डेल का, और PS2 लिया है, तो अपन ने यहाँ पर टाइप किया PS2। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर पूरा कीबोर्ड का नाम टाइप किया, कीबोर्ड डेल PS2। ओके, हमारे पास बहुत सारी कीबोर्ड की वैरायटी, और जितनी भी वैरायटीज़ होंगे हम यहाँ पर पूरी वैरायटीज़ यहाँ पर फिल करेंगे। इंटर की प्रेस करेंगे तो अंडर में जाएंगे, तो हमें ये बताना होगा कि हमारा ये जो कीबोर्ड डेल का है ये कौन से ग्रुप में जाएगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है, और किस यूनिट में इसको परचेज सेल्स करें, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम इसको सेव करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हम एक प्रोडक्ट और देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक कीबोर्ड और है, तो हमने इस तरीके से कीबोर्ड टाइप किया, कीबोर्ड सैमसंग का हमारे पास है, और ये कौन सा है, USB। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको पूरा नाम टाइप किया, ये भी कौन सी वैरायटी में जाएगा, कीबोर्ड में। तो इस तरीके से दोस्तों आपको स्टॉक आइटम यूनिट और ग्रुप तैयार करना है। तो दोस्तों आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक करें, और आप अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम आप इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।